पहले तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे कि इसका डेट खत्म हो गया, आपको पहले वीडियो लाना चाहिए था। तो भाई डेट खत्म नहीं हुआ है, 23 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और प्लस 21 कर लो यानी 16-17 फरवरी तक इसकी डेट है। तो डेट का कोई टेंशन मत लो, अभी ये साइट वीक है, साइट मैं भी गया था, मेरे को भी किसी का अप्लाई करवाना है और मेरे गांव का, तो उनके लिए मैं गया था ये साइट में NDA.recruit.gov.in में। साइट अभी लो है, सर्वर अभी डाउन है, इसलिए वहां पर साइट खुल नहीं रहा है। आपको पुराना वाला नोटिफिकेशन दिखा रहा है, वो ऑलरेडी आया था, वो खत्म हो चुका है भाई, उसका सिर्फ अभी क्या बचा है, रिटिन बचा है, अभी रिटिन होने वाला है उनका, ठीक है। ये नया नोटिफिकेशन है, इसकी डेट फरवरी तक है, ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सिलेबस की, आपकी कौन कौन सी टॉपिक आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस टॉपिक में कितनी मार्क आएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी जो पोस्ट वाला वैकेंसी किसका कितना है और ये सारे डिटेल्स हमने पहले आपको डिलीवर कर दिया वीडियो, ये बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। अगर आपके कोई भी भाई बहन है उनको ये 10th पास है और एज उनको 28 यहाँ पर मिल रहा है, तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो उनके साथ ताकि इनको एक अच्छा जॉब मिले। देखिए ये जॉब होने के बाद ना आप मुझे याद करोगे, किसी ने ये वीडियो बना के डाला था। अगर आप सोच रहे हो ना ये ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है, जब जाओगे 58 ईयर्स तक सर्विस करोगे इतनी मजा आएगा ना, यही सैलरी है, यही फैसिलिटी, इससे ज़्यादा फैसिलिटी फौज से ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है इंडिया में, सब कुछ A1 क्लासिक A1 मिलेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। और काम कुछ नहीं, सिर्फ आप सिलेक्ट हो जाओ, आपकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको ये डाउट लग रहा है मेरे बात पे, कोई आपका अगर NDA सिविलियन होगा वहाँ पर, बात कर लो, मैंने बात किया है उनसे, और आप बात कर लो फिर आके बताना। साथ में हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आपके जैसे 1500 ज्वाइन कर चुके हैं। पहले बात यहाँ पर दिया है कि पहले आपने NDA के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, NDA की अलग वेबसाइट है, दूसरा ये एक सिविलियन स्टाफ का, NDA CIVRCT recruit.gov.in में जाना है। यहाँ पर से ग्रुप सी का ऑनलाइन 2024 का लिंक पेज वहाँ पर होम पेज में मिल जाएगा, रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, करने के बाद जो भी आपको चीज़ें मांगता है वहाँ पर डालना है, डालने के बाद अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स और पे द एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर देना है, डाउनलोड और टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने प्रिंट आउट ले लेना है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का नंबर लेके रखना है। यहाँ पर आपकी सिलेक्शन कैसा होगा, NDA पुणे ग्रुप सी सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर बता देता हूँ, पहले आपकी रिटिन एग्जामिनेशन होगा, पहले कोई भी ट्रेड में जाओ पहले रिटिन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल मतलब आप किस जो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, लाइक कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कुक के बारे में आपको अच्छे जानकारी होना चाहिए, खाना बनाना आपको आना चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा लोड लेके नहीं चलना, भी रिलैक्स, यहाँ पर इतने फन्ने खा नहीं आ रहे, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपकी मेडिकल होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्या सर मेडिकल वेट कैटेगरी, इसमें कुछ नहीं होगा, ये ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है, ठीक है, डिफेंस सिविलियन पोस्ट है, तो यहाँ पर ना कि आपकी फिजिकल होगा, ना कि आपका हाइट वेट 16 मीटर, कुछ नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो आप लड़का हो, दोनों दे सकते हो। ये चार प्रोसेस में आपकी सिलेक्शन होगा, रिटिन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, देन आपका हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा, मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगा। पिछले वाला मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी आएगा जनरल इंटेलिजेंस, 4 टॉपिक में आपके क्वेश्चन आएगा, मार्क रहेगा आपके 100, क्वेश्चन रहेगा आपके 100, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क रहेगा, ठीक है। पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका आएगा 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 25 आपका रहेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क रहेगा। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क रहेगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क रहेगा। ये सभी के लिए रहेगा, लेकिन मान लीजिए एक क्लर्क दे रहा है और एक कुक दे रहा है, इनकी क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा, लेकिन टॉपिक सारे यही रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल है, जो LDC दे रहा है उसकी पे वाइज ज़्यादा है, महीने में ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी क्वेश्चन अब जब डिफिकल्टी है वो ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप कुक दे रहे हो, MTS दे रहे हो, तो आपके लिए पेपर इजी आएगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा कि आपको मतलब सारे चीज़ बहुत इजीली हो जाएगी, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको बुक चाहिए, कौन सी बुक्स आप पढ़ के इसको दे सकते हैं, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए बुक भी बना दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं कि इनमें से 100 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आंसर सही करके आना, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क है, ठीक है। टाइम आपको 100 मिनट मिल जाएगा यहाँ पर, कितना 100 मिनट, यानी आपकी लगभग कितना मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट का क्वेश्चन आपका, सॉरी टाइमिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये 120 मिनट भी कर ले, मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये 120 मिनट का रहेगा, लेकिन आप इसको लेके चलो 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप सिलेबस है, यहाँ पर सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आएगा,
करेंट अफेयर्स आएगा, ग्रुप एंड ऑथर्स का आएगा, पॉलिटी, कैपिटल्स, करेंसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, एवर्ड एंड प्राइजेस, इंपॉर्टेंट डेज, इकोनॉमिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये चीज़ें आएगा। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ में एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ACF एंड LCM, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क और मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बिल्कुल सिलेबस बताया इसने। तो यहाँ पर अगर आप आर्मी GD की तैयारी कर रहे हो या फिर वोमेन मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये जो दिखा रहा है ना ग्रुप सी, सेम आपकी जो टॉपिक्स रहता है, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो अपनी ये पढ़ाई के अंदर। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या आएगा, एनालॉजीज आएगा, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, साइलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप, उसके बाद डायरेक्शन, नॉन वर्बल सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, ये इत्यादि आएगा आपकी इसमें रीजनिंग में। जनरल इंग्लिश में क्या क्या आपको पूछ सकता है, स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स पूछेंगे, आइडम एंड फ्रेजेस पूछेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेंगे, कॉम्प्रेशन एंड पैसेज पूछेंगे, एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछेंगे, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वोकैबुलरी और फिल ब्लॉक्स, ये आएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पर क्या एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप अगर पास हो जाते हो, पहले ये अप्लाई करने के बाद आपके एडमिट कार्ड जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा एज ए बड़े भाई के नाते, एज ए टीचर के नाते, देखिए ये जो पोस्ट के ऊपर आप डाउट नहीं करना, जितने भी पोस्ट है ना मैं दिखा देता हूँ आपको ना, तो बता ही रहा हूँ तो पोस्ट भी दिखा देता हूँ आपको क्या जा रहा है। यहाँ देखिए मैं बता रहा था ना आपको, NDA पुणे नोटिफिकेशन कब लिखा है, 23 जनवरी, ठीक है, और 21 दिन उसमें ऐड कर लो, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बोल रहे थे सर आपने लेट बनाया, ठीक है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क का 16 पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एक पोस्ट, ड्राफ्टमैन का 2, लेकिन हमने ये ड्राइवर वगैरह है, हमने कहा ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, हमने MTS में, ठीक है, ये 150 लिखा है, एक्चुअली ये 151 है, ठीक है, 151 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ना 151 के आसपास पोस्ट, इसी को हमने फोकस करना है MTS में। और MTS में क्या है, ट्रेड वर्क ज़्यादा नहीं है, अभी MTS में बहुत सारी चीज़ें आता है, कहीं सफाई करना, बुक रखना, कहीं डस्टिंग करना, ये सारे चीज़ आता है। अगर ये सारे चीज़ करके आपको महीने में 40,000 रुपया मिल रहा है भाई, खाना पीना रहना फ्री मिल रहा है, NDA में जॉब मिल रहा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी भाई, NDA में जा रहे हो और यहाँ पर ये मिल रहा है सारे चीज़, जाओ अग्निवीर से देखो कितनी बेटर है। अग्निवीर में 4 साल के बाद फिर आप कंपटीशन करोगे, या आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो सिविलियन के ये जो ग्रुप है ना, किसी को ज़्यादा पता नहीं है, ये ज़्यादा हाइप में नहीं आता और ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जानते नहीं इसकी जो बेनिफिट्स, नहीं जानते। हम फौज में आने के बाद हमारे को पता चला, अरे साला ये तो इतना बेनिफिट्स है इसमें, इतनी अच्छा है, सारे कैंटीन फैसिलिटीज से लेकर सारे चीज़ आपको मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो लोग वर्दी के लिए पागल होते हैं, देखिए वर्दी के लिए पागल होना अच्छी बात है, लेकिन 1-2 साल 4 साल के बाद वर्दी का जो भूत है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और फिर लोग पैसे के पीछे, या फिर मतलब कहने के मतलब है एक स्टैंडर्डाइजेशन लिविंग, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हम क्या नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है, ताकि हम देश के लिए भी काम करें और पैसे भी, उसमें सैलरी मिलता है, उसमें हमारा घर वगैरह चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए एक बार इसमें अप्लाई करो, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है, आप मुझे पर्सनली घर में मिल के थैंक्स बोल के हक करके जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी और कुछ डाउट है इसमें, आपको और कुछ जानकारी चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको अप्लाई करिए, जब भी खोलता है अप्लाई करिए, और करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना कौन कौन जा रहा है इसको अप्लाई करने के लिए, और कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, जय जगन्नाथ, गुड नाइट।